तो अगर तुमने फ्री फायर खेला होगा ना, तो उसके अंदर तुमने एक बार में एक ड्रैगन को पीटा होगा। हाँ वही मेगा ट्रिप ड्रैगन को। लेकिन क्या तुम एक साथ हजारों बहुत सारे ड्रैगन को पीटने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? चलो इस वाले वीडियो में तो कुछ ऐसे ही होने वाला है। अरे वो तो छोड़ो, क्या होगा अगर हम किसी ग्रेनेड को इसे मारने के लिए फेंके इसकी तरफ, और वो ग्रेनेड फूटने के बाद खुद ही एक ड्रैगन बन जाए तो? ऐसे कुछ होने वाला इस वाले वीडियो में। बहुत सारी अजीब सीक्रेट बताने वाला हूँ और कुछ आने वाले सीक्रेट, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर से देख लेना। चलो अभी बताऊँ, उससे पहले तुम्हें एक कूल चीज दिखा लेता हूँ जो कि सोशल एसिड में वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें आ जाना है। एंड देखो, यहाँ पे आने के बाद हम मस्ती वगैरह तो करते ही रहते हैं, बहुत सारी चीजें बता रखा है। तो हमें जाना है सबसे पहले फुटबॉल ग्राउंड के अंदर। एंड तुम जानते हो कि पूरी सोशल एसिड में एक गन तो यहीं पे मिलता है। हाँ, वो भी रियल गन नहीं, फुटबॉल वाला गन होता है जो कि यहीं पे मिलता है। लेकिन तुम्हें पता है इस वाली गन को एक सेकेंड में हम इस साइड से उस साइड लेके जा सकते हैं रियली में। देखो तुम्हें ना एक सबसे पहले फुटबॉल को साइड पे दीवार के साथ ले जाना है, एंड देन उसके ऊपर चढ़ जाना है। चढ़ती अपने सेंटिनी को यूज करके तुम्हारा यूज करना। और ये देखो, अरे गाइस, एक सेकेंड में तुरंत से ना तुम इस गन को लेके सीधे उस साइड पे चले जाओगे। बट हाँ, फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर खड़े, मतलब फुटबॉल के ऊपर रहना है, उसके पास सेंटिनी यूज करना तो काम करेगा। अब मुझे नहीं पता तुम इस साइड लाने के बाद गन को क्या करोगे, वो तुम्हारी मर्जी, जो चाहे कर सकते हो। लेकिन इससे भी कूल ये चीज ट्राई करना, तुम्हें एक बाइक लेना है। ओके, अब बाइक को इस साइड से उस साइड कैसे लेके जाते हैं ये आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सो सबसे पहले बाइक को उस साइड पे लेके आना, और यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग है ना, जस्ट इसके नीचे लेके आना भाई, थोड़ा ध्यान से। और इसके नीचे लाने के बाद थोड़ा सा बैक गियर में आना, एंड पीछे करते हुए बॉक्सिंग के सामने आ जाना और एग्जिट कर देना। देन ऐसे एग्जिट करते हो अपना सेंटिनियो यूज करना और फिर से यूज करना। और ये देखो, एक सेकेंड में हम फिर से आ चुके हैं बॉक्सिंग के अंदर। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि बॉक्सिंग पे आने के बाद तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारी हरकतें कर सकते हो जो कि नॉर्मल प्लेयर तो कर ही नहीं सकता। मतलब क्राफ्ट टूल, डाइस वगैरह फुटवा के जो भी लाना है वो ला सकते हो। और बंदों को पीटने का बात तो छोड़ दो, एक एक बार में सबको पीट सकते हो, तुम्हारे पास हेल्थ अनलिमिटेड है, तो मरने भी नहीं वाले हो। काफी कूल है ना, ट्राई कर लेना। चलो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। देखो हमने फर्स्ट बताया तुम्हें हम मेका सुर को ड्रैगन को एक बार में बहुत सारे कैसे फाइट कर सकते हैं। या अब ये चीज के लिए पॉसिबल तो भाई बीआर रैंक वगैरह मैच तो है नहीं, हमें क्राफ्टलैंड में ही आना पड़ेगा ना। तो ये क्राफ्टलैंड का बरमुडा मैप, जहाँ पे तुम जैसे आते हो तो एक शॉपिंग मिलेगी। यहाँ पर काफी सारे ग्लोअर ग्रेनेड सब कुछ पड़े हैं, तुम्हें जितना हो सके बहुत सारा ग्रेनेड को परचेस कर लेना है। अब इस मैप को मैजिक ऐसा हुआ कि तुम अगर एक ग्रेनेड को नीचे फेंकते हो ना, वो जैसे फूटेगा एक ड्रैगन में बदल जाएगा। गाइस देख रहे हो कितना ज्यादा क्रेजी है, मतलब इसके अंदर जो ग्रेनेड है ना, एक बार में डैमेज के साथ एक अंडे की तरह काम करता है, जहाँ से एक ड्रैगन पैदा होता है जो कि 3-2 सर वाला होता है और देखने में बड़ा खतरनाक सा होता है। और सोचो इसी तरह से तुम अनलिमिटेड बहुत सारे ग्रेनेड को यहाँ से एक ही जगह पे फेंक दिए ना, तो हालत कुछ ऐसे होने वाली है, गेम पे तो बस ड्रैगन ही ड्रैगन देखने को मिलेंगे। और वैसे भी हमारी ताकत तो एक ड्रैगन से भी लड़ने की नहीं है, क्योंकि एक को भी तुम मार नहीं सकते, और यहाँ पर तो पूरे भंडार लगे पड़े हैं। यार ये स्पोन होता है ना, तो बहुत ज्यादा कूल सा लगता है। एंड जब ये फाइट करेंगे, एनिमेशन इसका आता है ना, तो वो भी एकदम ओपी है। बट हाँ, तुम चाह कर भी इन सभी को पीट नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे पास भी हेल्थ काफी ज्यादा है। लेकिन मैंने नोटिस किया जो तुम्हें सेंस करके पीटने का रेंज है ना, वो भी कुछ ज्यादा है। भाई देख रहा हूँ मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, इन लोग मैप में कहाँ पे है, बट फिर भी वहां से मुझे मारने का ट्राई कर रहे हैं। देख लो इसके पावर किस तरह से मेरी तरफ आ रहा है, एकदम खतरनाक तरीके से। और सेम हमने ऐसा ही कुछ किया भीमा शक्ति के ऊपर पे गए, एंड बहुत सारे यहाँ पर भी अंडे छोड़ दिए, एंड उन अंडों से भाई बहुत सारा ड्रैगन निकल गया जो कि नीचे की ओर फाइट कर रहा है। और ये देखने में ना बहुत ज्यादा कूल लग रहा है, बट समस्या क्या है पता है, ये मैप को तुम्हें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, कॉपी कर लेना, लेकिन ये इंडियन सर्वर के लिए काम नहीं करता। तुम्हारे पास कोई और सर्वर होगा, ब्राजील, इंडोनेशिया, कोई भी सर्वर होगा तो काम करेगा, लेकिन ये इंडियन सर्वर पे काम नहीं करता। सो इसके लिए सॉरी भाई, मैंने मैप को नहीं बनाया, इसलिए मुझे नहीं पता ये बाहर के सर्वर पे काम करता है, इंडिया पे काम नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके तो ठीक है, अब चलो एक खतरनाक कूल और चीज दिखाता हूँ, तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड पे काम करेगा। ओके, अब देखो तुम्हें पता होगा हम ट्रेनिंग ग्राउंड पे आते हैं तो हमारे साथ एक एक्टिव स्किल होता है जिसे लेके आते हैं, हम उसे यूज करते हैं, एंड कुछ फ्री वाले स्किल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिससे लेके भी हम फाइटिंग वगैरह कर सकते हैं। बट समस्या होती है ना कि जब हम इस एक्टिव स्किल को यूज करते हैं तो हम इसे बस एक बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा वो यूज नहीं कर सकते, वो गायब हो जाता है। सेम ऐसे इस जगह पे होता है, यहाँ पे तुम एक ही बार यूज कर सकते हो, बट तुम्हें पता है इससे हम अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। देखो करना क्या है ना, तुम्हें कोई सा एक्टिव स्किल वहां से उठा लेना है और उसे जैसे यूज करोगे वो खत्म होने से पहले सीधे यहाँ से एग्जिट हो जाना, और एग्जिट होके जाना है इस जगह पे। अब यहाँ आने के बाद दोबारा से तुम उसी जगह पे फिर से जाओगे ना, या फिर यहीं पे रहोगे, तो देखोगे तुम्हारा जो स्किल जो एक बार पहले यूज हो रहा था ना,
वो अनलिमिटेड हो चुका है, मतलब अब तुम दो दो एक्टिव स्किल हर बार यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। यार ये तो और भी ज्यादा कूल है। ट्रेनिंग राउंड पे इन दो दो एक्टिव स्किल को आराम पड़े मजे से यूज कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर और मतलब ये गो कैरेक्टर को लेके आया तो सेम इसी के साथ वर्क करेगा, नहीं तुम किसी भी कैरेक्टर को लाओगे एंड जब अंदर आओगे यूज करके सीधे यहाँ से लीव कर देना उस जगह पे चले जाना जहाँ से गन परचेस करते हो और ये काम कर जाएगा। और ये ट्रिक ना आपसे में किसी ने एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था जो हमने इसे ट्राई किया सच में ये काम करता है, तो गाइस का नेम भी सामने देख लो। ओके अब सेम कुछ ऐसा एक और चीज काम करता है, ये तो रही दो एक्टिव स्किल के लिए ना। अब अगर हम गेम के अंदर जाते हैं बिना एक्टिव स्किल के, वैसे हम अपने गेम पे एक बार में चार स्किल का यूज कर सकते हैं लेकिन अगर हम एक्टिव स्किल को ना यूज करें चारों को चारों कैसे भी स्किल करें तो भाई ट्रेनिंग जाने के बाद हम दो एक्टिव स्किल यहाँ से उठा सकते हैं और दोनों को सेम तरीके से ट्राई करें, मतलब गेम के अंदर जाए लीव करके वापस आए दोनों को अनलिमिटेड कर दे तो देखोगे हमारे पास टोटल 6 कैरेक्टर स्किल हो चुके हैं जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। मतलब हम एक बार में 4 यूज कर सकते थे किसी भी तरह से लेकिन अगर तुम ट्रिक यूज करोगे तो भाई एक बार में 6 यूज सकते हो। बट हाँ शुरू में जब आओगे तो भाई एक भी एक्टिव स्किल को नहीं लाना है, चारों के चारों पैसे भी लेके आना है। और ये ट्रिक भी आप सभी में किसी ने एक ने कमेंट किया था तो उसे भी हमने यहाँ तुम्हें दिखा दिया। और अगर तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी ट्रिक्स होगी ना मजेदार वाले तो कमेंट में बताना हम उसे ट्राई करेंगे और अगर सच में वो काम किया ना तो भाई उसे गेम पे दिखाऊंगा तुम्हारे नेम के साथ में, तो कमेंट में जरूर से बताना। और वैसे मैं कमेंट को पढ़ता हूँ बट हाँ सारे कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल तो नहीं है बट मैं पढ़ता जरूर से हूँ तो कमेंट में जरूर से बताना। चलो ये तो ठीक है मैंने बता दिया, अब कुछ और चीज दिखाता हूँ। ओके हमारे गेम पे बहुत जल्दी पैराडॉक्स का इवेंट आने वाला है, ये तो पता होगा 15 मई से नहीं उस 17 को आने वाला है एंड उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होने वाला है मतलब लोडिंग स्क्रीन पे। अब उसी के साथ हमारा न्यू कैरेक्टर आने वाला था जिसका नाम अरे यार मैं नाम भी भूल गया, चलो ठीक है तुम्हें नहीं पता होगा न्यू कैरेक्टर आने वाला है गेम पे तो उसी इवेंट का देखने को मिलेगा एंड इवेंट का कुछ पेज इंटरफेस है ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है बट मुझे नहीं पता ये रियल है या फिर फेक है बट हो सकता है कुछ इसी तरह से आने वाला है जिसके अंदर काफी सारे रिवॉर्ड वगैरह देखने को हमें मिलेगा और ये 17 को आने वाला है। इसका ट्रेलर वगैरह भी लॉन्च हो चुका है लेकिन मुझे ना तुम सभी कुछ और दिखाना है। अब देखो पिछले मिनट मैंने बताया कि न्यू मैप जैसा आया था मतलब बरमुंडा का जो कि फ्लाइंग करता हुआ था सही ऐसा कुछ लग रहा था कि हाँ यार कुछ ऐसा न्यू मैप तो हमारे गेम पे आने वाला है बट आई थिंक वो मुझे नहीं पता वो मैप है या फिर क्या ये वाला कुछ ऐसा। लेकिन गाइस एक न्यू फोटो और मुझे मिला है ना जो कि कुछ अलग सा लग रहा है भाई मैप ये जैसा ही और वो तुम लोग ये देखो यार ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। हाँ इसके पूरे मैप्स को मत देखो इसके जो ग्राफिक्स ऊपर दिख रहे हैं ना ये देखो। अब अगर तुम अपने गेम का अल्पाइन मैप को खोलोगे ना तो उसके ग्राफिक्स भी कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे स्नो वगैरह एंड ऊपर दिखने में सेम टू सेम लगेगा। तो क्या हमारे गेम का न्यू मैप आने वाला है जो कि अल्पाइन मैप का रीडिजाइन होने वाला है और इसके अंदर तुम देखोगे तो पूरा का पूरा इंडिया का मैप भी ऐड है। भाई साहब इतना बड़ा मैप मुझे नहीं पता ये कंफर्म है या फिर नहीं है मैं ऐसे मुझे मिला तो लगा तो भाई सोचा चलो बताता हूँ। तो ये देखोगे सेम टू सेम ना अल्पाइन मैप एंड इस मैप को तो दोनों के ग्राफिक्स एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा और पता नहीं यार पर देखो गेम पे तो मैप की रिकॉर्डिंग कुछ ज्यादा हिंट वगैरह मिल रहे हैं तो हो सकता है हमारे नेक्स्ट अपडेट में ना कुछ न्यू मैप देखने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। चलो ठीक है यार गेम पे कोई न्यू मैप आता है तो भाई खेलने में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मजा भी आया खेलने में। और हाँ इस वाले पैराडॉक्स के अंदर ना एक न्यू मैजिक भी मिलने वाला है और उसके लिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इस ट्रेलर के अंदर ही कुछ हिंट मिला है ये देखो। तो हो सकता है काफी टाइम से मैजिक को मिला नहीं है तो एक फ्री में मैजिक को भी मिलने वाला है, वैसे बंडल भी कौन से काम का आते हैं तो ले देखे तो सारे बराबर ही होने वाले बट ठीक है। अगर इस मैप की रिकॉर्डिंग कुछ और न्यूज मिलते हैं तो मैं तुम्हें जरूर से बताऊंगा और भाई जो ट्रिक मैंने बताया वो भी गेम पे जरूर से ट्राई कर लेना काफी ऑब्वियस थे। और आप में से किसी के पास कुछ ऐसी ट्रिक्स होगी खतरनाक वाले तो कमेंट में जरूर से बताना हम उसे ट्राई करेंगे और वो वर्क करेगा तो ही मैं बताने वाला हूँ। ओके और जो हमारा पैराडॉक्स है ना वो 17 मई को आने वाला है हमारे गेम के अंदर तो थोड़ा वेट करो बहुत जल्दी आएगा। सो चलो यार इस वीडियो में इतना ही, वीडियो तुम्हें थोड़ी सी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।